शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि किरीट सोमय्या यांचा वाद आता न्यायालयात पोहोचलाय। संजय राऊत यांच्या विरोधात मेधा किरीट सोमय्या यांनी मानहानीचा खटला दाखल केलाय। हा खटला शिवडी मुंबई कोर्टात दाखल करण्यात आलाय। या दरम्यान किरीट सोमय्या यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना शिवसेनेला धारेवर धरलं। संजय राऊतच्या विरोधात 100 कोटीचा घोटाळा, मेधा सोमय्या, सोमय्या परिवार, युवक प्रतिष्ठान, काही बोलणं, जेलमध्ये टाकणार, दहशत पैदा करणं, ज्याच्या विरोधात आज दिल्ली येथील कोर्टात क्रिमिनल डिफेमेशन याचिका दाखल झाली। कोर्टाने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमय्या यांची कंप्लेंट याचिका 250031 ऑफ 2022 दाखल करून घेतली आहेत। इंडियन पिनल कोड धारा सेक्शन 499 पात्रता अंतर्गत प्रक्रिया सुरू झाली आहे। 26 मेला आता पुढची सुनावणी होणार। मेधा सोमय्याचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं जाणार आणि मला विश्वास आहे त्यानंतर संजय राऊतना समन्स केलं जाणार। संजय राऊत म्हणजे उद्धव ठाकरे, कारण की बोमाबोम आरडाओरड भोंगा संजय राऊत, पण चौकशीचे आदेश जानेवारी महिन्यात उद्धव ठाकरे यांनी दिले। काय झालं, 4 महिना ठाकरे साहेब मोठमोठे 100 अधिकारी कामाला लावले, काय निघालं, 100 पैशाचाही घोटाळा निघाला नाही। आणि बाप तर बाप, बेटा आदित्य ठाकरेने विधानसभेत विधान केलं, पूर्ण ठाकरे सरकार, गृहराज्यमंत्री शंभूराजे यांनी चौकशीचे आदेश दिले, मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, गृहमंत्री, आमदार, खासदार, पूर्ण माफिया तेना, गुंड तेना, एवढं तमाशा केल्यानंतर 1 पैसेचाही सोमय्यांचा, सोमय्या परिवाराचा घोटाळा झालेला नाही। आणि म्हणून उद्धव ठाकरेंना धडा शिकवण्यासाठी ही याचिका आहे। सदा त्याच्या भोंग्याला होणार, परंतु इशारा उद्धव ठाकरेचा प्रति आहे। पुढच्या आठवड्यात मुंबईत उच्च न्यायालयात आम्ही सिव्हिल डिफेमेशन केस दाखल करणार आहोत। 2016 उद्धव ठाकरेने अशाच प्रकाराने थोतांड नाटक केलं होतं, 112 कोटीचा घोटाळ्याचा आरोप लावला होता, आणि त्यावेळी न्यायालयाने, उच्च न्यायालयाने त्यांना वॉर्निंग दिली होती, यावेळी आम्ही तोडणार नाही। उद्धव ठाकरे जी और उनके प्रवक्ता संजय राऊत, जिन्होंने किरीट सोमय्या परिवार में दहशत फैलाने के लिए, डराने के लिए गए 4 महीने में अनेक आरोप किए, मेधा सोमय्या युवक प्रतिष्ठान 100 करोड़ का शौचालय घोटाला, जानेवारी महीने में उद्धव ठाकरे जी ने आदेश दिए, बाद में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह राज्य मंत्री, सांसद, विधायक सबने, और 100 पैसे का भी घोटाला बाहर नहीं आया। और इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमय्या ने आज सिवड़ी कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने हमारी याचिका का, कंप्लेंट का स्वीकार किया है। कंप्लेंट नंबर 250031 ऑफ 2022 इंडियन पिनल कोड 499-500 के तहत कार्रवाई होगी। अब 26 मई को कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी। मेधा सोमय्या का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, मुझे विश्वास है इसके बाद में न्यायालय समन जारी करेगा। न्यायालय ने इसी प्रकार से, मुंबई उच्च न्यायालय ने 2016 में उद्धव ठाकरे और संजय राउत सामना 112 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, उच्च न्यायालय ने डांटा था इनको, और मुझे विश्वास है इस बार भी न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। माफिया सरकार के माफिया मुख्यमंत्री को इस बार कड़ी सजा।